सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। आज हम रेल का निजीकरण बंद करो, बंद करो, रेल का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर आप बोलिए। हाँ सर, आपका नाम सर? माई सेल्फ प्रफुल्ल कुमार दास, डिविजनल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एसएससी एसोसिएशन समरपुर डिवीजन। जो सर आज हम लोग देखते हैं डीआरएम ऑफिस में एससीएसटी के सरकार के विरोध में एक जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने वाला सर। इट इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नहीं, इंग्लिश हिंदी बोलेंगे। हाँ, तो जो आज होने जा रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारे सरकार का, आप बोलते हैं नॉट फॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट देखने माते अगेंस्ट फॉर गवर्नमेंट नहीं है। तो काय को किए हैं यहाँ पर इस ये क्यों में सजन करें हम? क्योंकि जो 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को निजीकरण कर रहे हैं उसमें निजीकरण कौन निजीकरण कर रहे हैं जो उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ताकि नहीं होगा इसका मतलब है हमारा रोजी रोटी नहीं होगा, हमारा जीवन धारण के लिए हमारा संबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा हमारे पास कोई जीवन धारण के लिए साधन नहीं है एम्प्लॉयमेंट के सिवा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ए के बंजारे, अशोक कुमार बंजारे, थोड़ा इधर है। हाँ सर, तो सर जो आज डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है, कई हमारे माँ बहनें भी हैं, कई लोग हैं, तो इसके बारे में बताएंगे क्यों करें आप? सर हम जितने भी एस सी एस टी लोग हैं हमारे लिए साधन है सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में ही रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे जो समाज है, समाज का जो स्तर है थोड़ा बहुत सुधरा है। अब यदि इसको प्राइवेटाइज यदि कर दिया जाए तो प्राइवेटाइज यदि करता है तो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि हमारा जो रिजर्वेशन का जो अधिकार जो है उसको सरकार जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हम इसी नाम से हम चाहते हैं कि सरकार जो है गवर्नमेंट जो सेक्टर है उस चीज़ को प्राइवेटाइज ना करे, ताकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार जो है वो हमारा बने रहे। तो फ्यूचर बच्चे लोगों को भी रहेगा, उनको नौकरी मिल सकेगी। हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों लोगों का भी फ्यूचर जो है वो कम से कम ब्राइट रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जो आप लोग इतना अपने भविष्य में लोगों के बारे, समाज के बारे सोचते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।